अरे यार एक तो ये फिल्म के बीच में इतने कमर्शियल्स क्यों आ रहे हैं? अरे अरे एक मिनट, मुझे पापा की आवाज लग रही है। जिंदगी गुजारे, आपके गाल गुलाब जैसे खिंचाएं और आपका सीना जॉन सीना जैसा बन जाए, वो भी 45 दिनों। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों। अगर आप चाहते हैं तो आज ही बल्कि फौरन हशमत दवाखाना तशरीफ लाएं, आपको आपके ख्वाबों की ताबीर यहाँ मिलेगी। जी हाँ, अब जॉन सीना जैसा सीना पाना है तो हशमत दवाखाना तशरीफ लाना है। हमारा पता है मेन यूनिवर्सिटी रोड से मुतसिल पुरानी सब्जी मंडी के पास पुल के नीचे, सीएनजी पंप वाली गली में, ऑफिस नंबर 420, फोन नंबर 0111011111। पहले आइए पहले पाइए, फिर ना कहना हमें किसी ने बताया नहीं, हशमत दवाखाना। अरे वाह भैया वाह, पापा ने बॉडी कब बनाई होगी? फोटोशॉप के जरिए। हाँ ऐसा हो सकता है। अरे फिरोज भाई मुझे भी वही ना 6 पैकेट्स बनाने। अरे यार 6 पैकेट नहीं होता, 6 पैक होता है। हाँ वही जो पेट पे खड्डे पड़ते ना वही। हाँ हाँ, उसके लिए भी ना तुम्हें पापा से ही रब्ता करना होगा, क्योंकि ये फ्रॉड वही कर सकते हैं। एक और फ्रॉड शुरू। तोबा तोबा, ये शख्स आखिर चाहता क्या है? अरे भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस शख्स के पास ये आइडियाज आते कहाँ से हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब की बार भी ना सुल्तान भाई के पैसों से ये कारोबार शुरू किया है। सुल्तान सच सच बताएं, कहीं आपने पैसे तो नहीं दिए? नहीं नहीं नहीं, मुजाहिद के फ्रॉड के बाद मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बना। आपकी जान की कसम, इस दफा मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मेरा कोई सरमाया इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाय हाय, तुम सब लोग ना हशमत के टैलेंट से जलते हो। लो, इस औरत को कभी अकल नहीं आएगी। टैलेंट और फ्रॉड में फर्क होता है आंटी। आंटी किसको कह रही है लोमड़ी? फिरोज जबान को लगाम दे आप। फिरोज भाई पहले आपकी बेगम ने शुरू किया। अरे नहीं नहीं बेबी नहीं, भाभी ने तो सिर्फ सासू माँ को आंटी का और सासू माँ ने उन्हें लोमड़ी कह दिया, जबकि वो लोमड़ी थोड़ी चील जैसी लगती है। फिरोज तुम जरा कमरे में चलो, उठो चलो। मेरी गलती क्या है? चलो, मैंने क्या किया? बस कैसा गैजन मुरीद पीछे पीछे। सुल्तान आप हशमत अंकल से दूर रहेंगे। जी बेगम बिल्कुल। और बहरोज तुम भी हशमत अंकल से दूर रहना। आप फिक्र ही ना करें बेगम, आप फिक्र ही ना करें। चलो चलो। अबे मुजाहिद ये सीन क्या है? अबे भाई यूं समझ के हमारे गुर्बत के दिन चले गए, अब अच्छे दिन आने वाले। इससे? आहा, इससे गाड़ियां होगी, बंगला होगा, बैंक के अंदर बैंक बैलेंस होगा। अय्याशिया। सच बता? आहा, तेरा भाई तो 4 शादियां करेगा, पाकिस्तान के 4 सूबों में एक एक लड़की से शादी करूंगा, फार्म हाउस बना के दूंगा, लैंड क्रूजर होगी, हर जगह मेरे बंगले होंगे। भाई की शादी नहीं कराएगा यार, अकेले अकेले शादी कर लेगा। तेरी भी कराऊंगा ना, तेरे बाप ने तेरी एक नहीं कराई, मैं 2 शादियां कराऊंगा तेरी। सच में? अच्छा वैसे ये तो बता, ये है क्या? ये यार ये बात राज ही रहने दे, देख ये मैंने वादा किया हुआ ये नहीं बता सकता। यार देख तू तो मेरा दोस्त है ना, हम दोनों पार्टनर हैं, अब बता देना क्या है। नहीं यार अच्छी बात नहीं होगी, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता, मैंने जबान दी है किसी को नहीं बताऊंगा। देख मेरा भाई है ना, प्यारा भाई। देख शेरी तू शर्मिंदा कर रहा है, मजबूर कर रहा है, मैं नहीं बता सकता। अबे नहीं समझा कर बात को यार। हाथ तो ऊपर कर। हाँ ओलो ओलो, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ यार। बता बता। अबे भाई ये मुर्गी की पीठ है, जो चूजा खा के 4 हफ्ते में जवान हो जाता है, लेकिन अब ये हम नौजवानों को देंगे जो खाने के बाद 15 दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। भाई हशमत भाई की रिसर्च के मुताबिक उन्होंने तो मुझे यही बताया। कटे और बेवकूफ हो तुम लोग, मैंने तुम लोगों से कहा था ये सब कुछ अंदर ले जाकर करो स्टोर के अंदर, तुम लोग जहाँ खोल के बैठ गए हो। अरे किसी को क्या पता ये मुर्गियों की फीट है? तुमने इसे भी बता दिया, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें तो खैर मैं बाद में देखूंगा, ये सब कुछ समेटो, टीवी पे इश्तेहार सही है, ग्राहक किसी वक्त भी आने वाले होंगे, चल जल्दी समेटो। समेट हशमत दवाखाना यही है? जी जी यही यही। वो मैंने भी आपका टीवी पे इश्तेहार देखा था। हाँ जी जी मैं ही था, मैं ही था। तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए, उठो उठो। हाँ जी जी, अब बताइए ये तस्वीरों में तो आप। असल में मेरी बॉडी उस जमाने में ऐसी होती थी, बात दरअसल कुछ यूं है कि बराबर क्लब के अंदर कोई बिल्डर मौजूद नहीं था, सिर्फ हमारे क्लब के अंदर ही हशमत भाई बिल्डर थे। यकीन करें इनको नजर लग गई, किसी ने काला जादू करा दिया, कुत्तों का खाना खाते थे, नाले में पड़े रहते थे, ऐसे ही जिंदगी दर बदर गुजर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, असल में ना इस समय का कुछ मसला हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि वेट लूज कीजिए, तो मैंने वेट लूज किया, सेहत से पड़ गए तो कुछ होता नहीं है इस वजह से, वरना तो जी क्या मिस्टर सिंध क्या मिस्टर पाकिस्तान क्या मिस्टर एशिया, ये सारे मुकाबले ही समझे आप। ये सारे मुकाबले आपने जीते हैं? नहीं नहीं देखे। नहीं आप ये बताइए कैसे आना हुआ, कितने दिन की दवाई चाहिए आपको? यही कोई 45 दिन की। हाँ मुजाहिद बेटा 45 दिन वाली दवाई पैक कर दो, आप ये खाएंगे ना आप देखिए आपको कितना फायदा होगा। पैसे कितने होंगे इसके? यही कोई ओनली सिर्फ 20,000 रुपीज। 20,000? तो बहुत ज्यादा है। ओनली भी तो बोला बेटा हमने, और आपकी बॉडी से बढ़ के तो नहीं है ना, आप ये भी तो सोचिए आप कहीं से गुजरेंगे रश लग जाया करेगा, बाइकें साइकिलें गाड़ियां सब लोग आपको देख के, क्या आपका नाम क्या है? रहने दे। दीजिए दीजिए जी, लाइए पैसे दे दीजिए। चलो भाई ऐसे तो हमारी 110 ब्रांच है, आज इस ब्रांच के आप पहले गायक है। थैंक यू बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया। लोगों को आगाह करते रहना, खानादर में भी खोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सब जगह ब्रांच खोलिए। शुक्रिया।
हस्बैंड भाई मुबारक हो, पहला घाट लग गया, बदलाव अभी से हिस्सा दे दो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें मैंने कहा था अंदर बैठ के करने के लिए, अभी से हिस्सा मांग रहे, काम पे ध्यान दो। चलो उठो उठो, जल्दी उठो, लेके जाओ यहाँ से, जल्दी लेके जाओ। लोगों की औकात नहीं है कुर्सी पे बैठ के अपने आप को मालिक